गाइस वेलकम बैक 100 डेज ऑफ फुल स्टैक डेवलपर में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। दो वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके आपको मैंने बताया था कि कैसे बुकमार्क और सेव करना है, ताकि यहाँ पर आपके पास आ जाए और आप जब भी आपका दिल चाहे आप इजीली इसको ओपन कर सकें। आपने सिंपल क्या करना था, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क करना था और डन पे क्लिक करके सेव करना था, और यहाँ पर आपके पास प्लेलिस्ट ने आ जाना था, और आपने जब भी यहाँ पर क्लिक करना था तो आपके सामने यही प्लेलिस्ट ओपन हो जाती। तो मैंने कल भी कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिंक जो है वो पिन किया हुआ था, आप वहां से जाकर भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम जो है वो अपने टू नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो है लिस्ट का, और फोर्थ चैप्टर जो है वो हम देख लेते हैं वो है लिंक्स का। लिंक्स का मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो है लिंक्स का। उसके बाद हमारे फाइव चैप्टर जो है वो रिमेनिंग बच जाएंगे, वो हम अपनी अगली जो है वो आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज जो है हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है नंबर लिस्ट। थर्ड चैप्टर जो है वो रिलेटेड है किससे, लिस्ट से। तो हमारे पास तीन तरह की लिस्ट आती है, नंबर लिस्ट आती है, बिलेट लिस्ट आती है, और डेफिनेशन लिस्ट आती है। तो सबसे पहले हम कौन सी लिस्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले हम नंबर लिस्ट को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कैसे नंबर लिस्ट और हमें किस तरह से बनानी पड़ती है नंबर लिस्ट। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं और आते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक गुजर गई है नंबर लिस्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये रही ऑर्डर लिस्ट, जिसे हम ऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं। तो नंबर लिस्ट को बेसिकली हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और इसका जो टैग है वो क्या होता है, वो होता है ओएल, मतलब ऑर्डर लिस्ट, सही है। तो इसको बना के देखते हैं डायरेक्टली, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, हम डायरेक्ट बना के देखते हैं। तो मैं इसको कोड में खोल लेता हूँ, अपने VS कोड में, तो ये ओपन हो जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको जो है वो मैं कमेंट करूंगा। अब ये कमेंट क्या होता है, बेसिकली कमेंट जो है वो आप जो है यहाँ से कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश अगर दबाएंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ गया। अगर आप मैनुअली इसको करना चाहें तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेस देन का साइन, फिर एक्सक्लेमेशन, फिर दो हाइफन लगाएंगे, और जब इसको बंद करना होगा जहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाइफन हाइफन और ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ये क्या होता है कमेंट, अगर मैं अब इस कोड को रन करूँगा ब्राउज़र पे तो ये कोड मुझे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि मुझे सिर्फ टाइटल नज़र आ रहा है, मुझे जो है वो कोड नज़र नहीं आ रहा। तो ये होता है कमेंट, मतलब आप किसी चीज़ को अपने ब्राउज़र पर अगर शो नहीं करना चाहते ना, आप अपने मतलब के लिए रखना चाहते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर अगर लिखता माय सेकंड हेडिंग, क्योंकि ये मेरी हेडिंग थी ना, तो मैं यहाँ पर लिखता माय सेकंड हेडिंग, और मैं इसको कमेंट करना चाहता था, तो ये कमेंट हो गया, सही है। आप देख रहे हैं कि मैं अपने आप को बताने के लिए, हाँ भाई ये सेकंड हेडिंग है, मैं किसी अपने क्लाइंट को नहीं दिखा रहा, किसी यूज़र को नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए कोई चीज़ यहाँ पर रखना चाहता हूँ, उसको हम कमेंट कहते हैं, बेसिकली आप ये समझ दें। तो ये मैंने कमेंट कर दिया, अब ये कोड नहीं चलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि कमेंट्स क्या होते हैं, सही है। अब हम बात करने वाले हैं लिस्ट की। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक कमेंट डालूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि ये एक लिस्ट है, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा नंबर लिस्ट। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ नंबर लिस्ट, और इसको क्या करूँगा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से मैं इसको कमेंट कर दूंगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ये नंबर लिस्ट जो है ये बेसिकली ऑर्डर लिस्ट होती है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग होगा, आप अभी मतलब आप इसको ना देखें, आप इस बुक को देखें ना, आप अपने मतलब से मतलब अपने जहन से सोचें कि ऑर्डर लिस्ट अगर बनानी है, सही है, तो मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा। ऑर्डर और लिस्ट, ओ से ऑर्डर आता है और एल से लिस्ट आता है, मतलब कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सब कुछ यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है और आपको सब चीज़ें जो है वो खुद ही याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल ol लिखूँगा और यहाँ पर मेरी ऑर्डर लिस्ट तैयार हो गई। अब लिस्ट तो तैयार हो गई, लेकिन लिस्ट के आइटम कहाँ हैं,
अब मैं बनाऊंगा इसके अंदर लिस्ट आइटम, सही है। अब लिस्ट आइटम के लिए कौन सा टैग होगा आप मुझे बताएं, लिस्ट आइटम के लिए कौन सा टैग होगा? लिस्ट आइटम तो एल आई टैग होगा ना, तो देख रहे कितनी आसान हो गई ये चीजें, लिस्ट आइटम। अब मैं इसके अंदर अपनी मर्जी की लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं एप्पल रखूंगा, फिर मैं रखूंगा यहाँ पर मैंगो, और यहाँ पर मैं रखूंगा बनाना। फाइल को कर देता हूँ सेव और यहाँ पर रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 करके मेरे पास जो है वो लिस्ट रेडी हो गई है। इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर्ड लिस्ट, सही है। तो ये थी हमारी नंबर लिस्ट, ये देख रहे हैं आप 1 2 करके यहाँ पर रेडी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम तो उसमें भी थे, लेकिन ये अब आती है अनऑर्डर लिस्ट। पहले हमने पढ़ा ऑर्डर लिस्ट, अब हमारे पास आती है अनऑर्डर लिस्ट। अब ये अनऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है, मैं आपको अब इसको क्या करूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा क्या, कंट्रोल एक्स करूंगा, नहीं मैं इसको कमेंट कर दूंगा। अब मैं यहां पर बनाऊंगा यहां पर अनऑर्डर लिस्ट, तो यहां पर मैं लिखता हूं अनऑर्डर लिस्ट, सही है, यहां पर सही हो गया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा टैग यूज करूं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर यू और लिस्ट एल, तो यूएल टैग में यूज करूंगा। अब मुझे इसके अंदर लिस्ट आइटम बनाना है, तो जैसे हमने पहले देखा एल आई, तो हम एल आई लिख लेंगे। अब मैं यहां पर क्या लिखता हूं, मैं लिख देता हूं ऑरेंज, उसके बाद यहां पर ग्रेप्स लिख देता हूं, और यहां पर एक और फ्रूट लिख देता हूं, या फिर अभी इतना ही दिखा देता हूं आपको और रिफ्रेश करता हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट की तरह जो है वो तैयार होगा। ये अनऑर्डर लिस्ट है बेसिकली, हम इसको अनऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। तो यही सिंपल सी चीजें, इतनी सिंपल चीजें। उसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट क्या करती है ये देख रहे हैं, जैसे आप कोई पेपर होता है आपका, या कोई क्वेश्चन या आंसर लिखते हैं, तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन होता है उसकी जो हेडिंग होती है, उसकी हेडिंग होती है ना, आप यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं बेसिकली, उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये उसी तरह काम करती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ एक पैराग्राफ को कॉपी करूंगा और यहां से मैं इतना कर लूंगा कॉपी, और डीएल का टैग मैं खुद लगा लूंगा। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, कमेंट करूंगा, और यहां पर मैं लिखूंगा डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, सही है। अब यहां पर आऊंगा और यहां पर इसको मैं पेस्ट करूंगा। अब ये एरर देगा, लेकिन इससे पहले इसको मैं एक टैग में डालूंगा। उस टैग का नाम क्या होगा, डेफिनेशन लिस्ट तो डेफिनेशन डी से आता है, और एल से क्या आता है लिस्ट, तो डीएल टैग होगा। तो मैं उसको डीएल टैग के अंदर यहाँ पर रख देता हूँ, सही है। तो आपने देखा कि हमने डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट की, इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता हूँ अपने क्रोम पर और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट आ चुकी है। आप जितने मर्जी, अब जैसे यहाँ पर हेडिंग आती थी उसके नीचे से हम स्टार्ट करना चाहते थे, तो ये काम हम किससे कर सकते हैं, ये हम डेफिनेशन लिस्ट से कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने मल्टीपल लिस्ट बनाई हुई है, एक लिस्ट के अंदर आप नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर कमेंट किया इसको, और यहाँ पर मैं इसको नीचे आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अभी क्या है, यूएल है, सबसे पहले एक ऑर्डर लिस्ट बनी, उसके अंदर दो चीजें कौन कौन सी, माउसेस और पेस्ट्रीज, सही है। उसके बाद उसके अंदर एक और लिस्ट, अब इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट इसको बोल सकते हैं आप, क्योंकि अगर एक चीज के अंदर, सिर्फ लिस्ट की बात नहीं कर रहा, अगर एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड। अगर लूप के अंदर, जो अभी हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में जब हमारी स्टार्ट होगी, लूप्स के अंदर एक अगर लूप आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप। तो यही काम होता है, इधर भी यही काम हो रहा है। तो यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी आ रही है, तो ये क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर पहली लिस्ट आई, और ये कहाँ से आ रहा है, ये इसी के नीचे लिखा हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर ये पहली वाली लिस्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, इसलिए ये उसके नीचे आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर, और ये इसके अंदर एक और लिस्ट है, तो वही थोड़ा सा आगे होके हमें नजर आ रही, सही है। तो आई थिंक सबको क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ रहे हैं, लिंक्स, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो
तो यहाँ पर सबसे पहले लिंक्स होता क्या, मान ले मैं अभी ये जो अभी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अभी मैं प्रैक्टिकल में भी करके दिखाऊंगा, सही है? तो मान लो अगर मेरे पास एक लिंक है अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर एक लिंक है, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, बल्कि इसको कमेंट कर दूँ पहले, फिर रिफ्रेश करता हूँ ताकि मेरा ब्राउजर जो है वो साफ दिखे। तो यहाँ पर रिफ्रेश किया, वो चला गया। अब मान लो मेरे पास एक लिंक है, यहाँ पर एक लिंक आ रहा है मेरे पास मेरी वेबसाइट के ऊपर google.com, सही है? और मैं चाहता हूँ कि उस वेबसाइट पे, मतलब जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँ, मैं गूगल के ऊपर पहुँच जाऊँ, गूगल की वेबसाइट, या मैं यूट्यूब के ऊपर पहुँच जाऊँ। तो चले देखते हैं इसको कैसे करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर है हमारे पास एक अटैग जो हमें लिंक्स के लिए यूज़ होता है। और जब पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी चीज़ आती है, मतलब अगर टैग के अंदर कोई भी चीज़ आए तो वो क्या होता है, वो उसका एट्रीब्यूट होता है, सही है? वो क्या होता है, वो एट्रीब्यूट, ये क्या है, एट्रीब्यूट नेम है, और ये क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसका ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, इसी को हम यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं नीचे थोड़ा सा, इन्होंने देखो अब क्या किया है, इन्होंने पहले पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर यूएल के अंदर एलआई लिया और एलआई के अंदर जो है वो लिंक डाला हुआ है। लेकिन मैं आपको पहले बेसिक एग्जाम्पल दिखा दूँ, फिर हम थोड़ी एडवांस पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल क्या करना है, अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए तो बहुत आसानी है, सिंपल ए लिखेंगे और ये पूरा का पूरा आपको टैग तैयार करके दे देगा, उसके अंदर का एट्रीब्यूट भी। तो अब मैं अगर यहाँ पर सिंपल लिखूँ google.com, google.com, सही है, और यहाँ पर एक और टैग बनाऊं और यहाँ पर लिखूं YouTube, YouTube.com, सही है? और यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर आ गया google.com और यहाँ पर आ गया YouTube.com। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं क्लिक करूं इस गूगल पर और इस यूट्यूब पर, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊं, गूगल पे क्लिक करने से गूगल की वेबसाइट पर पहुंच जाऊं, यूट्यूब पे क्लिक करने से यूट्यूब की वेबसाइट पर पहुंच जाऊं, तो मैं ये चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर आऊंगा, यहां पर सर्च करूंगा google.com, और यहां से आई थिंक नेटवर्क इशू है, तो कोई बात नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां से मैं देख लेता हूँ ये नेटवर्क इशू है, तो यहां से मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ ओपन हो चुका है, सही है? अब मैं इसको कॉपी करूंगा इस लिंक को और यहाँ से इसको बंद कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एचरेफ है इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा, सिंपल इतना सा काम करना है। इसी तरह आपको यूट्यूब के लिए भी करना है, तो यहाँ पर जाऊंगा youtube.com पर, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ से इसको बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, सही है? पेस्ट किया, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया। अब मैं जैसे ही google.com पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मैं गूगल के ऊपर पहुंच गया, और जैसे ही मैं youtube.com पर क्लिक करता हूँ अब मैं यूट्यूब के ऊपर पहुंच गया। तो ये है ना कि यार कितना ज्यादा मजेदार, आप कितनी इजीली गूगल और यूट्यूब पर पहुंच सकते हैं, किससे, सिंपल एक टैग की हेल्प से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके बहुत काम आती है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। अब हम देख लेते हैं, बेसिकली यहाँ पर लिंक्स ही है, उसके बाद इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है। अब एट्रीब्यूट इन्होंने आगे दिखाया भी होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, चले मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, एक एट्रीब्यूट आता है। अब आपको पता है पहले क्या होता है, पहले एट्रीब्यूट नेम आता है, फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, चार चीजें, सही है? चारों को चला के देखते हैं। अगर आप टारगेट इज इक्वल टू अंडर स्कोर ब्लैंक लिख देते हैं तो क्या होगा, पहले आपने नोट किया होगा जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो ये इसी इसी वेबसाइट के ऊपर खुल रहा था, सही है? मैं चाहता हूँ कि ये एक नई टैब में खुले, यहाँ पर खुले, सही है? तो ये अगर आपने इस तरीके से काम करना है तो आप सिंपल टारगेट इज इक्वल टू अंडर स्कोर ब्लैंक लगाएंगे तो ये नेक्स्ट उसमें खुलेगा। अब मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट टैब में खुल रहा है।
इसी तरह हमारे पास बाकी भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं चलाकर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं अंडरस्कोर पेरेंट, अब क्या होगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये उसी टैब में खुलेगा। तो पेरेंट आप यूज करें ना करें एक ही बात है। उसके बाद आता है अंडरस्कोर टॉप, उसको मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर तो बाकी जो है वो सेम ही काम करते हैं। आप यूज करें ना करें, बस ये एक इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, यही जहां भी आप देखेंगे यही यूज होगा, इसके अलावा कोई यूज नहीं होगा। तो अंडरस्कोर ब्लैंक आपने अगर न्यू टैब में खोलना है तो उसके लिए होता है। तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास आपके लिए एक होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है, ये ईमेल लिंक्स जो है, हमने इसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, हमने जो है दो चीजें पढ़ चुके हैं हम यहाँ पर, लिंक्स बिटवीन पेजेस एंड लिंक टू अदर साइट्स, अदर साइट्स जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो। तो ये दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप वीडियो पॉज करके देखना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आपका होमवर्क, यहाँ पर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ये ईमेल लिंक्स, आपको ईमेल लिंक्स एक बार चला के देखने और आपको खुद पता चल जाएगा कि ईमेल लिंक्स जो है वो कैसे काम करते हैं। मैं इसीलिए सब कुछ ना नहीं पढ़ाता वीडियो में, ताकि आप खुद से भी थोड़ा बहुत पढ़ें। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल था, वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।